हेलो एवरीवन, देखिए मैं आज आपके साथ आई हूँ कद्दू की रेसिपी लेके। आप देख सकते हैं हमने कच्चा कद्दू ले लिया है, इसके बाद हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद आप देखिए हमने इसे काट लिया है क्यूब्स में, और साथ में हमने मिर्ची लिया है जिन्हें हमने बीच में से चीर दिया है। तो हम कद्दू की रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि आप एकादशी में भी खा सकते हैं। तो आज एकादशी है तो मैं सारे एकादशी वाले आइटम्स बना रही हूँ, और आप देख सकते हैं ये बिना प्याज लहसुन के बनेगी। तो आप देखिए हमने कद्दू को काट लिया है और साथ में मिर्ची ली है, और हमने कुछ नहीं लिया है। तो अब हम कढ़ाई गरम कर लेंगे, तो हम चलते हैं। देखिए गाइस, हमने कढ़ाई ले ली है और साथ में तेल को गरम कर लिया है, तो हम तेल में डालेंगे राई। आप देख सकते हैं हमने राई डाल दी है और राई चटकने लगी है। आप देखिए राई चटक रही है। अब हम डाल देंगे शिमला मिर्ची जो हमने पीस रखा था, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद हम डाल देंगे कद्दू, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा दूर हट जाइएगा क्योंकि ये बहुत जोर से चटकने लगता है। देखिए हमने कद्दू डाल दिया है। देखिए अब आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी मिर्चियाँ डाली है इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली मुझे तीखा खाना ज़्यादा पसंद है और मैं बंगाली फैमिली से बिलीव करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं। आपको जैसा तीखा खाना पसंद हो आप वैसा डालिए। आप देखिए फिर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, और जो कद्दू हैं वो भी धीरे धीरे पकने लगेंगे। आप देख सकते हैं, आप देखिए जो हमारा कद्दू का सब्जी है, थोड़ा सा फ्लेम आप हाई पे कर दीजिए तो आप देख पाएंगे कि कद्दू जैसे ही कढ़ाई पे गया उसके थोड़ी देर बाद से ही वो पकने लगा है और वो पानी छोड़ देता है। तो आप इसको अच्छे से पकाइए, उसके बाद हम इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे उसे तैयार करेंगे। तो पहले कद्दू को थोड़ा पकने देते हैं। आप देखिए वो पानी छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए जो कद्दू है वो थोड़े थोड़े पकने लगे हैं, आप देख सकते हैं। हमने अभी तक कोई मसाला नहीं डाला है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आप देखिए जब आपके जो कद्दू है वो ऐसे थोड़े से रेडिश रेडिश कलर के हो जाए और हल्के से ब्राउनिश हो जाए तब आप मसाला डालिए। देखिए हमने लिया है हल्दी, लाल मिर्च और नमक, हम तीनों को एक साथ ही डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए आपको और कुछ भी चीज़ नहीं डालना है इसके अंदर, ये सच में बहुत फ्लेवरफुल है। और ये जो कद्दू है वो हल्का मीठा मीठा सा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है, और एज सिंपल रेसिपी है बहुत ज़्यादा ही। आप देख सकते हैं अभी हल्दी की वजह से इसमें थोड़ा सा येलोइश कलर आ गया है। आप देखिए आप सबको अच्छे से मिक्स करके इन्हें फ्राई कीजिए, और आप नमक डाल दिया है तो नमक डालने के बाद जो कद्दू हैं वो फिर से पानी छोड़ने लगेंगे और पकने लगेंगे। आप देखिए आप हाई फ्लेम पे इसे पकाइए और कुछ टाइम बाद बाद आप इसे चलाते रहिए। आप देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे से पकने लगेगा आपके, आप देख सकते हैं। आप देखिए नमक डालने के थोड़ी देर बाद ही कद्दू हैं जो एकदम गलने लगे हैं। आप देखिए मैं आपको काट के बताती हूँ। आप देखिए कद्दू आराम से कट रहे हैं, आप बस इन्हें थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये एकदम रेडी हो जाएगा। आप देखिए हम इन्हें कैसे पका रहे हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही पकाना है। और ये रेसिपी बिना प्याज लहसुन के है तो इसे हर कोई ट्राई कर सकता है, और स्पेशली तो ये एकादशी जो लोग करते हैं वो लोग प्याज लहसुन वाली कोई सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं, तो हमने उनके लिए स्पेशली इसे बनाया है। तो आप देखिए, आप देखिए ये पक गए हैं और कद्दू भी पक गए हैं। आप थोड़ा इसको हल्का फ्लेम पे करके आप देख सकते हैं। अब हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि हर चीज़ में टेस्ट बढ़ा देता है खाने का, तो आप देख सकते हैं वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है चीनी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए चीनी डाल के। तो देखिए हमने डाल दिया है चीनी, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। फिर
थोड़ा सा ही पकाने के बाद हम इसे कंटेनर में डाल देंगे। मैं आपको डाल के भी बताऊंगी। आप देखिए थोड़ी देर पकने के बाद बस तैयार है। आप देख सकते हैं कि सच में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये एकदम तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, अब हम इसे कंटेनर में डाल देंगे। मैं आपको ढाल के बताती हूँ। देखिए अब मैंने सब्जी कंटेनर में डाल ली है, आप देख सकते हैं, और मैंने इसे टेबल पे रख लिया है। आप देखिए, अब मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये कैसा बना है। आप देखिए, मैंने ले लिया थोड़ा सा, ये सच में बहुत ही टेस्टी बना है और एकदम फ्लेवरफुल है, बहुत टेस्टी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।